सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेडियो पर भाषण दिया, उसका कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव हुआ क्योंकि उसमें भावुकता थी। उसमें उन्होंने दो तस्वीरें खींची थीं, एक हिमाचल की चोटी पर काम करने वाले जवानों की तस्वीर और दूसरी मैदानों में दफ्तरों में काम करने वाले कलम की तलवार से जूझने वाले कर्मचारियों की तस्वीर थी। मुझे खेद है कि ये तस्वीरें उन्होंने इस तरह से पेश की थी कि सेना में काम करने वालों और सिविल एम्प्लॉयज़ के बीच में एक दरार खड़ी कर दी। यह देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी। जो भी कर्मचारी हैं वे सब सरकार के कर्मचारी हैं, देश के सेवक हैं। उनमें इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और मेरा यह निवेदन है कि दो तस्वीरें केवल पहाड़ की चोटी पर तैनात जवानों की मिल सकती हैं। जवानों और अफसरों की तनख्वाहों के बीच में भारी अंतर पहाड़ की चोटी पर मिल सकता है और मैदानों में भी मिल सकता है। अगर सरकार मानती है कि एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए तो मेरा कहना है कि अधिक से अधिक वेतन भी निश्चित किया जाना चाहिए। क्या सभी पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि एक दूसरे की आमदनी का अंतर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए? और अगर आप मान भी लेते हैं कि आमदनी में 1 और 10 का अंतर ना होकर आज की परिस्थिति में 1 और 20 का होना चाहिए, तो भी अधिक से अधिक वेतन और कम से कम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए। अगर यह भेद रहता है तो सरकार कानून बनाकर हड़ताल को नहीं रोक सकती। श्रीमन महाभारत में कुंती ने कहा था कि मेरे पुत्र भूखे हैं, इसका मुझे दुख नहीं है, मगर जब मैं कौरवों के पुत्रों को राजसी ठाट में देखती हूँ तो मेरे हृदय में रोष की लहर दौड़ जाती है। यह स्वाभाविक है और केंद्रीय सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि इस भेद को कम करें। ऊंची से ऊंची सीमा तय नहीं की गई, कीमतों पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लागू किया गया, मगर दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया गया। अतः सरकार इस हड़ताल से सबक लेकर ऐसी नीति का निर्धारण करे जिससे देश में महंगाई ना बढ़े, तो यह सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें।